केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भ्रमण के लिए आने वाले पर्यटकों को अब टिकट के लिए पसीना नहीं बहाना पड़ेगा। पर्यटक अपने शहर या फिर दूसरे स्थान के किसी भी ई मित्र सेंटर से घना में प्रवेश के टिकट ले सकेंगे। विभाग ने पर्यटकों को सुविधा देने के तहत यह नई व्यवस्था शुरू की है। रिपोर्ट देखिए। अब केवलादेव में घूमने के लिए देसी विदेशी पर्यटकों को टिकट के लिए लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। ऑनलाइन टिकट की शुरुआत के बाद अब किसी भी ई मित्र कियोस्क सेंटर से घना में प्रवेश का टिकट मिल सकेगा। ऑनलाइन टिकट की शुरुआत करीब एक साल पहले हुई थी, लेकिन इस सुविधा का लाभ केवल टूर कंपनियों के गाइड्स और होटल संचालक ही उठा पा रहे थे। जितने भी हमारे टूरिज्म प्लेसेस हैं, उन सभी की सेवाएं धीरे धीरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सभी सेवाएं हम लोग इस पर लगातार ला रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि नाहरगढ़, सेंचुरी, इन सबकी सेवाएं हम लोग ला चुके हैं और केला देवी की सेवा भी हमने ई मित्र में प्रारंभ कर दी हम लोगों ने। विभाग की ओर से ई मित्र के जरिए दी जाने वाली सुविधा के लिए उनके संचालकों को ₹5 प्रति टिकट कॉपी कमीशन भी तय की गई है। घना में हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। टिकट खरीद से घना की करीब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई होती है। घना में भारतीय पर्यटक का टिकट ₹75 और विदेशी सैलानी का टिकट ₹500 का है। वहीं विद्यार्थियों को आई कार्ड दिखाने पर टिकट पर ₹50 की छूट दी जाती है। उम्मीद है इस शुरुआत के बाद पर्यटकों को लाइन में लगकर टिकट खरीदने की दिक्कतों से निजात मिल सकेगी। जयपुर से दीपक गोयल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।